सोनी फ्रेंड्स, मैं हेम कुमार शर्मा आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। पहले हमने बात की थी अल्फाबेट्स की, आज हम बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। वर्ड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड। ये वीडियो मैं उन क्षेत्रीय स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ जिन्हें इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरा एफर्ट उन्हें इंग्लिश से परिचित करवाना है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, कैसे हम अपने वोकैब को बढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल और थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बहुत प्रेम दिया, आपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिले, बहुत मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। प्लीज़ थैंक यू, कीप इट ऑन। तो चलते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन पे। वर्ड फॉर्मेशन जो है वो नए शब्दों के निर्माण की एक प्रक्रिया है। देयर आर मेनी वेज ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्दों को जोड़ करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो तरीका है वो है परफिक्स। परफिक्स जो है वो उपसर्ग होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो इंग्लिश में परफेक्ट जो है वो उपसर्ग कहलाता है। ये शब्द के पहले जुड़ करके जो शब्द है उसके अर्थ को बदल देता है। परफेक्ट प्लस बेस वर्ड, बेस वर्ड को मान लीजिए यहाँ आप जो मूल शब्द है, आपका रूट वर्ड है। तो फॉर्म अ न्यू वर्ड परफेक्ट इज पुट बिफोर अ बेस वर्ड। नए शब्द के निर्माण के लिए हमें परफेक्ट को इस बेस वर्ड के बिल्कुल आगे जोड़ना होता है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, मिस प्लस टेक। मिस जो है वो आपका परफिक्स है और टेक जो वर्ड है वो आपका बेस वर्ड है। तो इनको ऐड जब हम करेंगे तो मिस्टेक वर्ड बनता है। वैसे ही वर्ड है आपका अनहैप्पी, जिसमें अन परफिक्स है और हैप्पी जो है वो आपका मूल शब्द है, तो अनहैप्पी। दूसरा जो तरीका है, इसके बहुत सारे और परफिक्सेस हैं जिसके हम लिए बात करेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल में उन परफिक्सेस के बारे में बताऊंगा कि वो क्या क्या हैं, उनसे कैसे शब्द बनते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। जो दूसरा तरीका है वो है यूज ऑफ सफिक्स। सफिक्स मतलब प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। बेस वर्ड प्लस सफिक्स, बेस वर्ड आएगा उसके बाद में आप सफिक्स को ऐड कर सकते हैं। A suffix is a syllable added to the end of a word. यहाँ बताया गया है कि suffix जो है वो एक syllable है। Suffix जो है वो एक syllable है और वो शब्द के अंत में जुड़ता है। It is usually put after a base word to form a new word. किसी भी शब्द का निर्माण करने के लिए, किसी नए शब्द को बनाने के लिए हम उस शब्द के अंत में सफिक्स को ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है ब्रेव प्लस ली। तो ब्रेव जो है वो आपका मूल शब्द है, रूट वर्ड है, और ली वर्ड जो है वो आपका सफिक्स है, तो इससे वर्ड बनेगा आपका ब्रेवली। मोस्ट ऑफ टाइम आप इससे एडवर्ब्स बना सकते हैं। यूज प्लस फुल, ये यूजफुल है। नंबर थ्री है आपका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब एडिंग, जोड़ना। Adding one word to another, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़कर भी हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। One word is added to another to form compound words. एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़कर के भी हम compound word बना सकते हैं। जहाँ यहाँ example लिया गया है waiting, और इसके साथ मैंने add किया है word list, तो waiting list, dining और room, तो dining room, पास और मार्क, तो पास मार्क। नेक्स्ट है आपका ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग को हम कंबाइनिंग भी कहते हैं। कंबाइनिंग समझते हो आप, इन्हीं भी दो शब्दों को ऐड करके अपन उसको बनाना, उसमें से कुछ शब्दों को लेकर के बना लेना, कुछ को अननेसेसरी को हटा देना। तो पार्ट्स ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स, कोई अलग अलग दो वर्ड हैं, उनके कुछ पार्ट्स को एक दूसरे के साथ क्या किया जाए, कंबाइंड कर दिया जाए, इससे भी हम एक नया शब्द बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोटर, इसमें मोटर प्लस होटल,
तो मॉटल, मॉटर और होटल के कुछ पार्ट्स को ऐड करके हमने इस वर्ड को बनाया है मॉटल। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेलीविजन प्लस ब्रॉडकास्ट, तो इसमें से टेली और इसमें कास्ट, तो टेलीकास्ट वर्ड हमने यहाँ लिया है। नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन, कन्वर्जन द फंक्शन ऑफ अ वर्ड इज चेंज्ड विदाउट एडिंग अ परफिक्स और सफिक्स, बिना परफिक्स और सफिक्स के ऐड किए हम वर्ड के फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो ये कन्वर्जन कहलाता है। इसके लिए एग्जांपल है आपका आई बाथ एवरी डे, इसमें बाथ जो है वो वर्ब है, आई टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग, और इसमें जो बाथ है वो एक नाउन है। दे वॉक इन द गार्डन डेली, इसमें वॉक वर्ब है, दे गो फॉर अ वॉक डेली, इसमें वॉक जो है वो आपका नाउन है। दिस इज अ चेयर, इसमें चेयर नाउन है, शी विल चेयर दिस मीटिंग टुडे, इसमें चेयर आपका वर्ब है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।